टे वी विल सी दियलॉज आइडियल गैस वॉज गिवन एज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी अब यह फॉर्मूला तो हमने रट लिया बहुत अच्छे से एंड दिस वी है टू ईयस बट रियल गैस का कंसेप्ट कहां से आता है सो आफ्टर स्टडिंग ऑलमोस्ट हाफ द चैप्टर द चैप्टर से हलो डूड आइडियल गैस करके कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है इट इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन द इज नथिंग कॉल इज आइडियल हाँ गैस इज आइडियल की तेरा बिहेव कर सकते हैं दे कैन बिहेव लाइक एन आइडियल गैस बट एट वॉट कंडीशंस एट विच कंडीशन्स हाई टी ठीक है हाई टी एंड लो पी अब ये क्या ड्रॉ कर दिया मैंने सो टू रिमेंबर ऑलवेज स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज ठीक है हम कंसेपचुअली पूरा समझते हैं बट एट एंड मोमेंट कुछ याद रखने के लिए कुछ हमें इल लॉजिकल चिंतते तो हम आज इ लॉजिकल बात करेंगे हाई टी चाय ज़्यादा पियो ये मत पियो लो पी ठीक है सो विच कंडीशंस आइडियल गैस कैन बिहेव लाइक इन रियल गैस हाई टी

इज़ इक्वल टू एन आर टी ओ माई गॉड नाउ दिस इज सच अ बिग इक्वेशन और ये इक्वेशन के बेस पे एम सी क्यूज में नो बडी इज गोइंग टू आस्क्यू डिरेक्ट सब्सटीट्यूशन इन गिद आंसर द क्वेश्चन विल बी मोर मोर ऑफ थियोरिटिकल बेस ठीक है सो वॉट इज द फॉर्मूला पी प्लस कुछ तो ऐड किया वॉल्यूम में से अगर मैं डायरेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन लिखती हूँ कंपेयर करते हो तो ये वाले प्रेशर में हमने कुछ ऐड किया वॉल्यूम में से कुछ कर दिया ताकि हमें मिले आइडियल गैस की तरह इक्वल टू एन आर टी नाउ एट है सो कंडीशंस कौन सी कौन सी एट वेरी लो प्रेशर ठीक है pressure, पहली कंडीशन एट वेरी लो प्रेशर अब एट वेरी लो प्रेशर फॉर्मूला को क्या करना है यह जो फॉर्मूला है पी प्लस ए एन स्क्र अपॉन वी स्क्वेर वी माइनस एन बी इज़ इक्वल टू एन आर टी अगर प्रेशर बहुत कम है तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज प्रेशर इज़ इनवर्सली टू वॉल्यूम प्रेशर बहुत कम वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा तो वी स्क्र तो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर वी स्क्वेयर बहुत बड़ा हो गया तो वन अपॉन वी स्क्वेयर तो बहुत छोटा ठीक है प्रेशर बहुत कम वॉल्यूम बहुत ज़्यादा वी स्क्वेयर उससे भी ज़्यादा तो वन अपॉन वी स्क्वेयर बहुत छोटा तो ये टर्म निगलेक्ट हो जाएगा अच्छा प्रेशर बहुत कम वॉल्यूम ऑलरेडी बहुत ज्यादा है उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम निकालना उससे कुछ फर्क पड़ेगा कुछ नहीं तो ये भी निकल गया सो आइडियल गैस इक्वेशन गेट रिड्यूस टू रियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी दैट वेरी लो प्रेशर तुम्हारा फॉर्मूला डिटो सेम ही रहेगा यही सेम चीज किसमें रहेगी एट हाई टेम्परेचर तो अभी अभी हमने जो बढ़ा एट लो पी एंड हाई टी हाई टी लो पी ये कंडीशन में पी वी सी को लो एन आर टी रहेगा अब बची क्या दो कंडीशन सो द रिमेनिंग टू कंडीशंस एट मॉडरेट प्रेशर अच्छा अभी ये लोग शान्या दे विल नॉट यूज़ द वर्ड मॉडरेट प्रेशर बट दे माइट यूज़ द वर्ड एट लो प्रेशर तो बहुत प्रेशर कम वो वेरी लो था और ये लो है अब लो प्रेशर के लिए याद क्या रखना है P प्लस ए एन स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी अब एक टर्म हमें निकाल देना है ठीक है एक टर्म कौन सा है तो एक हो गया ये कंडीशन एट मॉडरेट प्रेशर और दूसरा कंडीशन आई टेल यू हैव टू रिमेंबर एट वेरी हाई प्रेशर ठीक है एट वेरी हाई प्रेशर अगेन आई राइट द सेम फॉर्मूला पी प्लस ए एन स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी ठीक है अब कौन सा टर्म कभी निकालना है ये होता है हमेशा क्वेश्चन इसमें आता है कन्फ्यूजन मॉडरेट मतलब क्या हो गया लो छोटा मॉडरेट मतलब लो मतलब क्या हो गया थोड़ा सा छोटा तो हमने यहाँ पे छोटा लिख दिया ये दोनों में से छोटा टर्म कौन सा है एन बी तो मॉडरेट प्रेशर में ये टर्म निकाल दो एंड हाई मतलब क्या होता है ज़्यादा बड़ा तो बड़ा टर्म कौन सा इसमें से ये वाला तो ये टर्म निकाल देना है मॉडरेट में छोटा टर्म निकाल दो हाई में बड़ा टर्म निकाल दो सो दिस इज़ फॉर रिमेम्बरिंग पर्सन सो नाउ वी नो व्हाट टू रिमूव इट एंड नाउ इज़ीली वी कैन सी फॉर्मूला गेट रिड्यूस टू वॉट ठीक है सो एट मॉडरेट प्रेशर इफ यू फॉर द फॉर्मूला पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर फॉर वन मोल v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी अब मॉडरेट है मतलब ये टर्म चला गया तो बचा क्या यहाँ पे सो विल ओपन द ब्रैकेट पी वी प्लस ए वी अपॉन वी स्क्वेर विल बी ए बाई वी वी कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू आर टी अब हम आर टी से पूरे टर्म को डिवाइड कर देंगे सो पी वी अपॉन आर टी प्लस ए अपॉन आर टी वी इज इक्वल टू वन

हाई प्रेशर बड़ा है मतलब बड़ा टर्म कैंसर तो ये चला गया सो व्हाट डू वी हैव ना पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी वी विल डिवाइड द होल इक्वेशन विथ आर टी सो पी वी अपॉन आर टी माइनस पी बी अपॉन आर टी इज इक्वल टू वन दैट गिव्स मी पी वी अपॉन आर टी जेड माइनस पी बी अपॉन आर टी इज इक्वल टू वन और वी से जेड इज इक्वल टू वन प्लस पी बी अपॉन आर टी सो so, सिंपल इस इसपे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं हाई प्रेशर लो प्रेशर वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा दे कैन गिव फार्मूला इन एनी टर्म्स इन बिटवीन वाले स्टेपल्स नाउ फ्रॉम दिस फॉर्मूला वट एल्स डू वी नीड टू नो इज वट इज ए ए एंड वॉट इज बी ए इंडिकेट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ए मतलब क्या इंडिकेट करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल जिसका जितना ज़्यादा ए उसका उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जितना ज़्यादा ए उतना मतलब गैस बाजू में आने को रेडी है मतलब कैन गो अंडर गो कंप्रेशन वेरी इजीली सो कंप्रेशन इज़ वेरी हाई अगर कंप्रेस इजीली हो रहे हैं मतलब उसका जेड का वैल्यू विल बी लेस देन वन जिसका ए का वैल्यू ज़्यादा उसका जेड का वैल्यू जितनेॉलिक्यूल्स so, बाजू में आ गए वो ज्यादा बाजू में रह मतलब गए कंप्रेस हो गए दे कैन बी लिक्विफाइड इजीली तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया एक कंप्रेशन फैक्टर लिक्विड फैक्शन और जेड के बीच में न वर्ट इज बी इंडिकेट बी इंडिकेट एडिशनल और एक्स्ट्रा वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम and how much is that excluded volume? what do you mean by excluded volume? some job, to my volume occupied khitna. save the portion what you see of me. but what if i have bag? what if, if i have my bottle here? what if, if i have my books here? then the volume occupied by me is more than what i expected. that is extra volume. so ye is it is 4 times its original volume. so this is all what you want, need to know for द फ्रॉम द रियल गैसेस आई होप यू अंडरस्टूड दिस इसके ज़्यादा कंसेप्ट डिटेल में अंडरस्टैंड करना है ये फॉर्मुला पुटेड इन द चैट बॉक्स एंड आई मेक अ वीडियो फॉर द सेम इफ यू लाइक दिस प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू